अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ। स्टोरी अबाउट वॉट? किस बारे में होगी ये कहानी? आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, एज़ यू कैन सी अ पिक्चर हेयर। आप इस पिक्चर में क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? जी, स्टोरी होगी इस पिक्चर के बारे में। जैसे कि आपने साउंड्स सीखी हैं लेटर्स की, फ्रॉम ए टू जेड, ए से लेके जेड तक आपने सारे लेटर्स की साउंड सीख ली हैं, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ ऐसी साउंड सीखेंगे जिसमें टू लेटर्स एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उनकी साउंड चेंज हो जाती है। जब वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो वो अपनी साउंड बदल लेते हैं, और उनकी साउंड कैसी हो जाती है चेंज होके, आज हम वो सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कोई टू लेटर्स नज़र आ रहे होंगे, नज़र आ रहे हैं आपको? कौन से टू लेटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे? जी, एन एंड जी। यहाँ पर एन ने जी के साथ फ्रेंडशिप कर ली और उनकी साउंड्स ने भी फ्रेंडशिप कर ली, तो इनकी साउंड्स एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी, फ्रेंडशिप कर लेंगी और एक न्यू साउंड बन जाएगी। और ये साउंड कैसे बनी? सारी साउंड्स कहीं ना कहीं से बनती हैं ना, तो आज इस स्टोरी सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये साउंड कैसे बनी। From where the sound of N G has come? It is Saturday afternoon, and Bing has come to play at Mark's house. कौन सा टाइम बता रहे हैं कि दोपहर हो रही है, और दिन कौन सा है? सैटरडे, हफ्ता, हफ्ते का दिन है, और दोपहर का टाइम है, वक्त है। एंड देयर आर टू बॉयज, हिज नेम इज़ बिंग एंड हिज नेम इज़ मार्क। बिंग, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, बिंग एंड मार्क आर फ्रेंड्स। बिंग आया हुआ है किसके घर? मार्क के घर खेलने आया हुआ है। अब उन्होंने क्या क्या खेला? जैसे कि आपको रूम नज़र आ रहा है, रूम में कितनी सारी चीज़ें हैं, तो आपको रूम देखकर पता चल रहा होगा उन्होंने क्या क्या खेला एक साथ। एंड व्हाट दे आर डूइंग नाउ, और अब क्या कर रहे हैं ये लोग? दे स्टार्ट बाय हैविंग अ गेम ऑफ पिंग पोंग। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने, बिंग एंड मार्क ने कौन सा गेम प्ले किया? पिंग पोंग, ये गेम होता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे रैकेट्स भी, बॉल्स भी, तो उन्होंने पिंग पोंग सबसे पहले खेला, फिर क्या किया? देन दे प्ले विद अ रेसिंग कार। फिर उन्होंने क्या किया? रेसिंग कार के साथ खेला। आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कहीं रेसिंग कार उनके रूम में? कैन यू फाइंड द रेसिंग कार? येस, हेयर इट इज़। फिर उन्होंने अपनी रेसिंग कार के साथ खेला, फिर क्या किया उन्होंने? लेट सी वॉट इज ऑन टेलीविजन, सेज मार्क। फिर मार्क ने कहा चलो देखते हैं कि टीवी पे क्या आ रहा है। दे पुट ऑन द टेलीविजन। फिर उन्होंने टीवी ऑन किया। लुक एट दैट मैन, सेज बिंग। बिंग ने कहा इस आदमी को देखो जो टीवी में आ रहा है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है टीवी में, उनको क्या नज़र आ रहा है? अ मैन। वॉट इज द मैन डूइंग, ये क्या कर रहा है? Bing and Mark watch the man as he lifts some huge weights. Bing और Mark क्या कर रहे हैं? वो टीवी देख रहे हैं और देख रहे हैं उस मैन को, वो क्या कर रहा है? आप मुझे बता सकते हैं क्या कर रहा है?
जी वो हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है, भारी वजन उठा रहा है। ही इज अ वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर कौन होते हैं? जो भारी भारी वजन उठा के एक्सरसाइज करते हैं। और जब वो भारी हैवी वेट उठा रहा है, भारी वजन उठा रहा है, तो उसके मुंह से एक आवाज़ निकल रही है। जब भी हम भी कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो हमें भी थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, और जब हम जोर लगाते हैं तो फिर मुंह से एक आवाज़ निकल रही है। उसके क्या साउंड है वो? देखते हैं मार्क और बेंग हमें क्या साउंड बता रहे हैं। जी तो मार्क और बिंग देख रहे हैं टेलीविज़न, टीवी देख रहे हैं, और देख रहे हैं वेट लिफ्टर को हैवी वेट उठाते हुए। और वेट लिफ्टर के मुंह से क्या साउंड आ रही है जब वो हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है, भारी वज़न उठा रहा है? उसके मुंह से आवाज़ आ रही है न्ग न्ग। जैसे वो वेट ऊपर करता है तो उसके मुंह से आवाज़ निकलती है न्ग 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 न्ग। मेरे साथ कहें आप भी, क्या साउंड निकल रही है उसके मुंह से? न्ग 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 न्ग। अब मार्क और बिंग, बिंग ने क्या किया? मार्क और बिंग को बहुत अच्छा लगा देखकर, और उन्होंने सोचा कि हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि ये मैन टीवी में कर रहा है, वेट लिफ्टर। लेकिन उनके पास तो हैवी वेट है ही नहीं, मार्क और बिंग के पास। फिर उन्होंने क्या किया होगा? देखते हैं उन्होंने क्या किया। देखें आप, मुझे बताएं उन्होंने क्या किया। उनके पास हैवी वेट नहीं है। व्हाट दे फाउंड? जी उन्होंने क्या किया, हैवी वेट की जगह ब्रूम और मोप को हैवी वेट बना लिया, क्योंकि उनके पास तो हैवी वेट नहीं था। इसलिए उन्होंने झाड़ू को, और जिससे हम सफाई करते हैं फ्लोर की, फर्श की, मोप कहते हैं इसको, उसको अपना हैवी वेट बना लिया, और उन्होंने उसकी तरह एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, वेट लिफ्टर की तरह। और उन्होंने भी वैसी फ़नी फेस बना के और मुंह से आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। कैसे? जैसे कोई हम भारी वेट उठाते हैं तो मुंह से कैसी आवाज़ निकलती है? न्ग 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 न्ग। और उन्होंने ऐसे खेलना शुरू कर दिया और उनको इसमें बहुत मज़ा आया, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही खेलते रहे कि वो वेट लिफ्टर हैं और उन्होंने हैवी वेट उठाए हुए हैं, और वो अपने मुंह से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? न्ग 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 न्ग। तो ऐसे साउंड बन गई क्या? क्या साउंड बनी? न्ग। एंड दिस इज़ द साउंड ऑफ लेटर एन एंड जी। दिस इज़ द साउंड ऑफ लेटर्स एन जी। न्ग न्ग। दिस इज़ द साउंड न्ग। से विद मी, न्ग 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 न्ग। इसी तरह बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये साउंड आती है। कौन सी साउंड? न्ग 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 न्ग। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स सीखेंगे और रीड करेंगे जिनमें ये साउंड आएगी। मैं वो वर्ड्स बोलूँगी, आपने गौर से सुनने हैं वो वर्ड्स, और मुझे बताना है कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ ng उन दोज वर्ड्स। ओके, आई एम गोइंग टू रीड वर्ड लॉन्ग लॉन्ग। ल
ओ, लॉन्ग। क्या इसमें आपको लग रहा है ये साउंड है ग, लॉन्ग 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 लॉन्ग। जी, इसमें ये साउंड है। अब हम देखते हैं कि इस वर्ड में कितनी साउंड्स हैं और कितने लेटर्स हैं, और उन इन साउंड्स को हम एक दूसरे से ब्लेंड कैसे करेंगे और ये वर्ड कैसे रीड करेंगे। ठीक है, तो आज हमने सीखी है साउंड न्ग, न्ग। दिस इज अ सिंगल साउंड न्ग, न्ग, न्ग। हम इस साउंड को ब्लेंड करेंगे किस साउंड से? लेटर ओ की साउंड से। कैन यू टेल मी द साउंड ऑफ लेटर ओ? आप मुझे लेटर ओ की साउंड बता सकते हैं? व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर ओ? यस, ऑ ऑ ऑ। वी विल ब्लेंड द साउंड ऑ विद द साउंड न्ग। हम क्या करेंगे, हम ओ की साउंड को इस साउंड से ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, दोनों साउंड्स को एक साथ पढ़ेंगे, पहले ओ की साउंड और फिर ये साउंड ओंग ओंग ओ न्ग ओंग ओंग ओंग। हमने टू साउंड्स को ब्लेंड कर दिया तो ये क्या बन गया, ओंग। इसी तरह इससे पहले कौन सा लेटर है, विच लेटर इज दिस? लेटर एल। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर एल? ल ल ल। एल की साउंड को हम इस साउंड से ब्लेंड कर देंगे, क्या बन जाएगा, ल ओंग ल ओंग ल ओंग। लॉन्ग क्या बन गया, ये क्या वर्ड बन गया, लॉन्ग। हमने इसको रीड करना सीखा है कैसे, साउंड्स को ब्लेंड करके। साउंड्स की भी एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करवा देंगे हम, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। आपको पता है लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग का क्या मतलब होता है, किसे कहते हैं लॉन्ग? लॉन्ग का क्या मतलब होता है? जी, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा या लंबी। जैसे कि आई हैव अ लॉन्ग पेंसिल। ये पेंसिल कैसी है, लॉन्ग। आई हैव अ लॉन्ग पेंसिल। इसी तरह कोई भी चीज़ लंबी होगी हम उसके लिए लॉन्ग का वर्ड यूज़ करते हैं। लॉन्ग मीन्स लंबा। लॉन्ग, विच वर्ड इज दिस? ल ओंग लॉन्ग लॉन्ग। सो वी कैन आइडेंटिफाई द साउंड इन दिस वर्ड लॉन्ग। इसी तरह और भी बहुत से वर्ड्स हैं जिनमें ये साउंड आती है, देखते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। ओके, नाउ वी विल लर्न टू रीड दिस वर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग। अब हम इनकी साउंड को एक दूसरे के साथ ब्लेंड करेंगे तो हम ये वर्ड पढ़ना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज हमने कौन सी साउंड सीखी है। वॉट इज द साउंड ऑफ दीज टू लेटर्स? जब ये दोनों लेटर्स एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो कौन सी साउंड बन जाती है, बताएं आप मुझे। न्ग, न्ग, न्ग। से विद मी, न्ग, न्ग, न्ग। सो वी विल ब्लेंड दिस साउंड विद द साउंड ऑफ लेटर आई। कैन यू टेल मी द साउंड ऑफ लेटर आई? ए ए ए ए ए ए न्ग इंग 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 इंग। क्या बन गया, दोनों साउंड्स को हमने ब्लेंड कर दिया, आई की साउंड्स को हमने एनजी की साउंड से ब्लेंड कर दिया तो क्या बन गया, इंग इंग इंग
इंक इंक। नेक्स्ट लेटर कौन सा है? विच लेटर इज दिस? आर। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर आर? डू यू रिमेंबर द साउंड ऑफ आर? अब हम आर की साउंड को ब्लेंड करेंगे इन टू साउंड्स के साथ। इंग 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 रिंग 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 रिंग। जी, तो हमने एक और वर्ड पढ़ना सीखा जिसमें ng की साउंड आ रही है, रिंग। इसी तरह साउंड्स को ब्लेंड करके हम कोई भी वर्ड पढ़ना सीख सकते हैं। रिंग 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 रिंग। व्हाट इज दिस? र ए इंक रिंग। र इंक रिंग। रिंग क्या होती है आपको पता है? रिंग किसको कहते हैं? क्या होती है रिंग? जी, जो हाथ में पहनते हैं। इसी तरह और भी कुछ वर्ड्स हैं जो इस साउंड से बने होते हैं, जैसे कि अब हम एक न्यू वर्ड रीड करना सीखते हैं, फिर आपने मुझे बताना है कि इसमें ये साउंड है या नहीं। सो व्हाट इज द साउंड ऑफ दीज टू लेटर्स? ng ng ng। और अब हम इसमें आई की साउंड को ब्लेंड कर देंगे। एंग ए ए ए ए इंक इंक इंक। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर खे? ख ख ख। इट्स किकिंग ख ख ख ख। इंक ख इंक खेंग ख इंक खेंग खेंग खेंग। किंग कौन होता है आपको पता है? किंग क्या होता है? किंग का क्या मतलब होता है? सोच के बताएं, किंग कौन होता है? जी, किंग होता है बादशाह, बादशाह या राजा। बादशाह को कहते हैं किंग किंग किंग। आप बोले मेरे साथ किंग किंग। ख ए ng किंग। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ये साउंड होती है। कौन सी साउंड? The sound of ng, ng. What is the sound of these two letters? जब ये दोनों letters friendship कर लेते हैं तो क्या sound बनती है? ng, 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 ng. King, long, ring. इन तीनों words में ये sound आ रही है। जब आप ये बोलेंगे ये वर्ड्स, तो आप खुद से देखेंगे ये साउंड्स, इनमें आपको खुद फील होगी कि इन वर्ड्स में ये साउंड है। इसी तरह इन वर्ड्स के अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ये साउंड होती है। अब आपने मुझे बताना है ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें ये साउंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। If you're strong and you know it, say mm. If you're strong and you know it, say mm. If you're strong and you know it, and you really want to show it. If you're strong and